मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसानों का कांग्रेस पहले से ही समर्थन कर रही है। ऐसे में किसानों का साथ देने के लिए पार्टी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव करने जा रही है। शनिवार यानी 23 जनवरी को कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के कई सीनियर और पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों के अनुसार भोपाल के आसपास के जिलों रायसेन, सीहोर, विदिशा से लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में भी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर लगातार अपडेट किया जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने 23 जनवरी का पूरा कार्यक्रम शेयर किया है। वहीं दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने राजभवन के घेराव में लोगों से शामिल होने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्विटर अकाउंट पर विस्तृत कार्यक्रम बताते हुए लिखा कि मोदी सरकार के तीन काले कृषि कानूनों के विरोध में 23 जनवरी को सुबह 11:30 बजे जवाहर चौक पर इकट्ठा होंगे, वहीं से राजभवन कूच करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजभवन घेराव में शामिल होने की अपील की कांग्रेस नेताओं से की है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल के नजदीकी जिले सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा आदि से भीड़ जुटाने के निर्देश जिला अध्यक्ष और पूर्व मंत्रियों को दिए हैं। इन लोगों पर ये जिम्मेदारी भी रहेगी कि लोगों को जहां से लाया जाए उन्हें वहां वापस छोड़ना भी होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस को किसानों की याद तब आती है जब वो विपक्ष में रहती है, सत्ता में आते ही किसान भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, हैरानी की बात है कि प्रदेश में किसानों को धोखा देने वाले उन्हें समर्थन की बात करते हैं। कांग्रेस को किसानों की याद विपक्ष में ही आती है, सत्ता में आने पर भूल जाते हैं। किसान इनकी असलियत जान गया है, वो अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।